सो हे वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अप्रैल में जो रियलमी 3 प्रो है उसमें जो अपडेट आने वाला है उसमें क्या नया आने वाला है अपडेट में, मतलब रियलमी 3 प्रो में जो C.05 का अपडेट आने वाला है उसमें क्या नया होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और भाई उससे पहले यार आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई मैं अभी अभी सो के उठा हूँ भाई, एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो भाई 8 बजे से पहले तो उठता नहीं हूँ, तो भाई सो सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ। अपन नीचे से बहुत प्रेशर आ रहा है फिर भी उस प्रेशर को रोक के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। सो देखते हैं कि क्या नया आने वाला है अप्रैल में रियलमी 3 प्रो में, ठीक है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ऑनेस्टली बताओ तो मेरे पास रियलमी 3 प्रो नहीं है यार। सो मैंने जो है किसी के कमेंट देख के उसके बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्च के अपडेट के बाद जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे कि हीटिंग इशू हो रहा है, जो कमेंट आए थे उसके उसके मतलब कमेंट में जो भी लिखा हुआ था सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर हीटिंग इशू हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर चार्ज होने में भी टाइम ले रहा है, और पबजी भी मतलब थोड़ा खेलने के बाद ही बहुत ज़्यादा मतलब हीट भी हो रहा है और बैटरी जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो भाई एक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मार्च के अपडेट के बाद, और ऐड हुआ था सिर्फ मार्च का सिक्योरिटी पैच, ठीक है। सो गाइस और जो अपडेट में जो कुछ भी था वो था कि जैसे कि मान लो बहुत सारी चीज़ फिक्स हुए थे, उसके बाद ऑप्टिमाइज हुए थे कुछ चीज़, तो भाई ये सब कुछ था अपडेट में, ठीक है। तो अब अप्रैल के अपडेट में मतलब अप्रैल में अपडेट आए तो उसमें क्या होने वाला है, मतलब 80-90% चांस है अप्रैल में अपडेट आने के, और 10% चांस है, 10-20% चांस है नहीं आने के, क्योंकि मतलब रियलमी को आप सभी को पता है कि रियलमी ऐसा ही करते हैं कि ठीक से अपडेट प्रोवाइड नहीं करता है 6 मंथ होने के बाद, हर 2 महीने में एक बार या फिर उनके हिसाब से करता है। तो भाई आए मतलब अप्रैल में अपडेट आएगा तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, उसके साथ साथ देखने को मिलेगा जो भी बग्स था, मतलब चार्जिंग इशू, किसी को हीटिंग इशू हो रही थी, सब कुछ यहाँ पर बग्स फिक्स कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मतलब बहुत सारे नए चीज़ ऐड किए जाएंगे, और जैसे कि मतलब कैमरा में आजकल देख रहे हो बहुत सारी चीज़ ऐड किए जा रहे हैं रियलमी के फ़ोन्स में, मतलब बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया जा रहा है रियलमी के फ़ोन्स में। सो शायद से कैमरा में भी बहुत कुछ ऑप्टिमाइज हो सकता है इस बार, और उसके साथ साथ यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं कुछ बग्स, और मतलब एक्स्ट्रा कुछ बग्स जो कि पहले से नहीं थे इस अपडेट को देने के बाद से, मतलब 0.C.04 को देने के बाद से जो अब बग्स है उस वो तो फिक्स हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ पुराने बग्स भी होंगे जो हमें अभी तक पता नहीं चला है वो भी फिक्स हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो और एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इशू। सो गाइस आपको क्या लगता है कि भाई मार्च का अपडेट मतलब बेकार है या फिर नहीं ठीक है जो हुआ था, मतलब ठीक है अपडेट। सो नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार, ये मतलब कैसे क्या लगता है आप लोगों को, अपडेट ठीक है या फिर बेकार था बिल्कुल ही रियलमी 3 प्रो के लिए। सो गाइस यही कुछ आने वाली है अप्रैल में भी। सो भाई लेटेस्ट जो आने वाली है वो सिक्योरिटी पैच, और जो बग्स थे पुराने जो कि C.04 में आए थे वो बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा C.05 में। सो गाइस यही कुछ होने वाली है। सो यही थे आज की वीडियो यार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लगा था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा।